दिव्य तेजमयो देवा महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जग वंदन अंजनी सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट ना आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट ना आवे ले जो शरण। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही हुआ। महर्षि ने कुमार सुवचन नहीं लिया महारानी। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। यदि ईश्वर ने चाहा तो हनुमान हमें अवश्य ही मिलेंगे। एक बात ध्यान से सुन लो रूमा, मैं स्वयं सुग्रीव पर कभी प्रहार नहीं करूंगा। ताड़का की मृत्यु के पश्चात मारीच और सुबाहु ने हमें भ्रमित करने के उद्देश्य से वो स्थान छोड़ दिया। आप मुझे श्री राम के दर्शन करा दीजिए, मेरा उद्धार हो जाएगा। परंतु श्री राम इस क्षेत्र में नहीं है। वह तो महर्षि विश्वामित्र की सेवा में सिद्धाश्रम गए हैं। ऐसा मत कहिए हनुमान, अब जो चाहेंगे श्रीराम वही करेंगे। वो आपका निवेदन टाल नहीं सकते। मेरे प्राण बचा लीजिए, बड़ी कृपा होगी। ये मेरी कैसी परीक्षा है प्रभु? क्या आप यही चाहते हैं कि इस कीरट के प्राण चले जाएं? क्या आप ये चाहते हैं कि मुझे इस किरट हत्या का दोष लगे? मुझे बचा लीजिए हनुमान, मुझे बचा लीजिए। हनुमान कुछ करो। हनुमान ये कैसा संकट है? हमारे राज्य की सीमा पर ये बड़ी दुखद घटना है। पिताश्री मैं तो धर्म संकट में हूँ। श्री राम ने मुझे उचित समय पर मिलने के लिए कहा है, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? ना तो मैं वहाँ जा सकता हूँ ना ही उन्हें। तो क्या कीरत, श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करते करते अपने अपने प्राण दे देंगे? नहीं पिताश्री, श्री राम तो परम दयालु हैं, वह सबकी पुकार सुनते हैं। यदि श्री राम ने मेरी पुकार सुन ली तो इस कीरट के प्राणों की अवश्य रक्षा होगी। अब निश्चिंत होकर महल में जाएं। कीरट के उद्धार की सूचना मैं शीघ्र ही दूंगा पिताश्री। ठीक है हनुमान, मुझे तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी शक्ति पे पूरा विश्वास है, और साथ ही साथ मुझे तुम पे गर्व भी है। श्री राम जय जय श्री राम जय 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 श्री राम
जय जय श्री राम, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम। अभी मुझे जाना होगा लक्ष्मण, अभी मुझे जाना होगा। ये मेरे परम भक्त की पुकार है, कोई तो कार्य अवश्य होगा, अन्यथा हनुमान मुझे कष्ट ना देते। हम जा रहे हैं लक्ष्मण, हनुमान की प्रार्थना को हम टाल नहीं सकते। तुम चिंता मत करना, हम शीघ्र ही लौट आएंगे। अनर्थ, हम अपने भक्त की ऐसी दुर्दशा कदापि नहीं देख सकते। संकट मोचन जय हनुमान। जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान, प्रभु आप, प्रभु आप आ गए, आपने मेरी लाज रख ली प्रभु, मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। बोलो हनुमान, मुझे तुमने कैसे स्मरण किया? प्रभु, इस मिट्टी के ढेर में एक कीरत बंधी है, केवल आप ही उसको मुक्त कर सकते हैं प्रभु, उसका उद्धार कीजिए प्रभु। बस आप इसका स्पर्श करके इसका कल्याण करें प्रभु। भैया राम, अब कहाँ चले गए भैया श्री राम? गुरुदेव, गुरुदेव, क्या हुआ लक्ष्मण इतनी रात को? तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो। गुरुदेव, भैया राम कुटी में नहीं है। क्या कहा? राम कुटी।
घाटी में नहीं? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। इतनी रात्रि में कहां जा सकते हैं राम? सनाद्य, विशाख, भार्गव, शीघ्र आओ। क्या तुम लोगों ने राम को कहीं देखा है? नहीं गुरुदेव, हमने राम को नहीं देखा। हमने भी नहीं देखा है गुरुदेव। तो राम अंततः गए कहां? तुम लोग यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। श्री राम, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। धन्य है आपके भक्त हनुमान जिन्होंने आपके दर्शन कराए। आपने तो मेरा उद्धार कर दिया प्रभु। आपकी जय हो, जय हो। परंतु तुम हो कौन? मैं तुम्हारे रहस्य अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। शंकर सुवन हनुमान, मैं दांडीर नाम का एक कीरत हूँ। जन्म से शिव भक्ति की लालसा थी, इसलिए मैं घर द्वार छोड़कर इस वन में शिव जी की तपस्या करने लगा। महादेव के भक्त पर ऐसा संकट? महादेव की लीलाएं तो अनंत है हनुमान, इसमें भी उनकी कोई लीला अवश्य छुपी होगी। हाँ प्रभु, उनकी कृपा से मेरा उद्धार हुआ है। ये सब उन्हीं के निर्देश पर हुआ है प्रभु। किरत, तुम्हारे बारे में मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे पवन पुत्र, उल्लुक नाम का एक दानव मेरी तपस्या भंग करने का प्रयास किया था। मैंने उसका विरोध किया, इसलिए क्रोध में आकर उसने मेरा वध करना चाहा। मुझे मरणासन देखकर अनर्थ, उल्लुक ने घोर अनर्थ किया है। हम अपने भक्त की ऐसी दुर्दशा कदापि नहीं देख सकते। उल्लुक, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। देवादिदेव महादेव कभी भी अपने भक्तों पर ऐसा संकट नहीं आने दे सकते। हाँ प्रभु, उनकी ही कृपा से मेरा उद्धार हुआ, उन्हीं के निर्देश पर यह सब हुआ। दानदेव, तुम हमारे कार्य में सहायक बनोगे। धरती लोक में हनुमान के रूप में हमारा अवतार हो चुका है, उनकी सहायता से तुम्हें श्री हरि के अवतार स्वरूप श्री राम के तुम्हें दर्शन होंगे और वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। पुनः भविष्य में तुम राम काज में सहायक बनकर पुण्य के भागी बनोगे। और तब से अंजनी पुत्र हनुमान, मैं आपका स्मरण कर रहा हूं। महादेव की बात सच हुई, उनके अंश अवतार की कृपा से मैं धन्य हो गया। गुरुदेव, ये सब माता पिता के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं। उन्हीं की कृपा से आपका दर्शन प्राप्त हुआ है प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो दानदीर। प्रभु,
प्रभु आप कहाँ चले गए प्रभु? प्रभु प्रभु आप कहाँ चले गए प्रभु? गुरुदेव क्या हुआ भैया राम को? चिंतित ना हो लक्ष्मण, राम आ रहे हैं। किसी आवश्यक कार्य से उन्हें बाहर जाना पड़ा। पर गुरुदेव, भैया राम ने ऐसा पहले कभी नहीं किया और मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। धैर्य रखो लक्ष्मण, अब और अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। क्षमा करें गुरुदेव, मुझे आपकी अनुमति के बिना ही आश्रम से बाहर जाना पड़ा। पर भैया, मुझे पता है लक्ष्मण, पूरे आश्रम में मेरी अचानक अनुपस्थिति से कई तरह की आशंकाएं पैदा हुई होगी, किंतु मैं विवश था। हम जानते हैं राम, तुम्हारा जन्म लोक कल्याण और प्राणियों के उद्धार के लिए हुआ है। तुम इस पृथ्वी पर किसी का भी कष्ट नहीं देख सकते। गुरुदेव, ये सब गुरुओं की कृपा और माता पिता के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं। ये तुम्हारी महानता है राम, कि तुम जो कुछ करते हो उसका श्रेय सबको देते हो। चलो जाकर विश्राम कर लो। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण मस्त। संकट मोचन जय हनुमान। मुझ में कोई अलौकिक शक्ति नहीं है महामंत्री, प्रभु श्री राम की है। निश्चित रूप से हनुमान में अलौकिक शक्तियाँ है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुझ में कोई अलौकिक शक्ति नहीं है महामंत्री, ये समस्त शक्तियाँ तो प्रभु श्री राम की है। उन्हीं की शक्ति से मेरी शक्ति संचालित होती है। सब प्रभु श्री राम की ही कृपा है। तुम सत्य कह रहे हो हनुमान, परंतु मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं कि वो कौन था और वो तुम्हारा स्मरण क्यों कर रहा था। महादेव का संकेत पाकर वो श्री राम की प्रतीक्षा कर रहा था। किसी राक्षस ने उस पर प्राणघात किया था। पर वो बार बार तुम्हें क्यों पुकार रहा था पुत्र? यदि वो श्री राम की प्रतीक्षा कर रहा था तो प्रभु श्री राम तक पहुंचाने के लिए पिताश्री, उसने बताया था कि उसे स्वयं महादेव ने मेरे संबंध में बताया है और उसे विश्वास था कि प्रभु श्री राम के दर्शन मेरे बिना संभव नहीं हो पाएंगे। तो क्या श्री राम की कृपा हुई उसकी रथ पर? वो दीन दयाल है पिताश्री, सच्चे मन से जो भी उनका स्मरण करता है वह उसके सहायक बनते हैं, और यही हुआ। क्या सचमुच वो वहां आए थे हनुमान? क्या सचमुच श्री राम की कृपा हुई कीरत पर? हाँ पिताश्री, हाँ। मैंने आपको पहले ही बताया था पिताश्री कि आप चिंता ना करें, श्री राम स्वयं आएंगे और उस कीरत का संकट दूर करेंगे, और वैसा ही हुआ।
जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऋषिराज, आपने तो स्पष्ट कहा था कि हनुमान हमारी सहायता के लिए यहाँ आएंगे, परंतु अभी तक तो हमें हनुमान की कोई सूचना नहीं मिली है। मेरी वाणी कदापि असत्य नहीं हो सकती वानर राज सुग्रीव। जगत नियंता ब्रह्मा की आज्ञा से मैं जो कहता हूँ सत्य कहता हूँ महाराज। आपने जो कुछ भी कहा मुझे तनिक भी संदेह नहीं है ऋषिराज। मैं तो केवल विलंब का कारण जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब किसी भी प्रकार का विलंब मेरे लिए असह्य है ऋषिराज। धीरज रखें सुग्रीव, हमें सूचना मिली है कि हनुमान अपने गृह प्रदेश में हैं और दिन रात राम भक्ति में डूबे हुए हैं। इसीलिए लगता है कि अपने गुरु को दिया हुआ वचन भूल गए हैं। जब हनुमान को अपने गुरु को दिया हुआ वचन स्मरण नहीं है तो हम उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं ऋषिराज, क्या अपेक्षा कर सकते हैं? विलंब का अर्थ सदा निराशा नहीं होता है वानर राज, कभी कभी विलंब अपेक्षा से अधिक शुभ होता है। इसलिए अधीर ना हो। मुझे तो अपनी सुरक्षा की कामना है ऋषिराज। यदि भ्राता बाली के घात से बच जाऊं तो शुभ स्थितियां स्वयं आ जाएगी। मुझे स्मरण है ऋषिराज, आपने हनुमान की असीम शक्ति के बारे में मुझे बताया था। आपने बताया था कि उन्हें दुनिया की कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। मुझे ऐसे ही बलवान की आवश्यकता है। वही किष्किंधापति बाली के गर्व को दूर कर सकते हैं। मुझे अभी प्रस्थान करना होगा पिताश्री। कहाँ प्रस्थान करना है पुत्र? हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मरो जगम मारुत तुल्य वेग, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम्, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम्, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।